उप तहसील नम्होल के अंतर्गत पड़ने वाली स्थानीय नम्होल पंचायत के सचिव ने अपनी पंचायत के संपूर्ण कार्य की सूचना नहीं दी। शिकायतकर्ता प्रेमलाल ठाकुर पूर्व बीडीसी सदस्य नम्होल पंचायत ने आरटीआई के तहत वर्ष 2015 से वर्ष 2020 तक के कार्यों की सूचना मांगी थी, जिसमें उन्होंने पंचायत के 14 कार्यों को लेकर आरटीआई के तहत सूचना मांगी थी, लेकिन नम्होल पंचायत के सचिव ने किसी दबाव में आकर 14 कार्यों को लेकर मांगी गई सूचना बीच में से 5 नंबर कार्य की दे दी गई। उन्होंने आरोप लगाया है कि आरटीआई के तहत 1 महीने के अंदर सूचना मिलनी चाहिए थी, लेकिन सचिव ने 1 महीने से ऊपर दिन लगा दिए गए, उसके बाद उन्हें सूचना मिली। वहीं शिकायतकर्ता ने बताया कि नम्होल पंचायत सचिव ने पंचायत के माध्यम से उन्हें 2 पत्र निकाले गए, जिन पर न कोई पंचायत सचिव की मोहर थी और न ही डिस्पैच था, सिर्फ सादे कागज पर उनसे अन्य कार्यों के वितरण को लेकर दोबारा से आग्रह करने के लिए कहा गया और वो पत्र पंचायत चौकीदार के द्वारा शिकायतकर्ता के हाथ में दे दिया। शिकायतकर्ता का कहना है कि जिस हिसाब से नम्होल पंचायत ने उन्हें गुमराह करके पंचायत कार्यों का लेखा जोखा बीच में से दिए जा रहा है, उसे साफ होता है कि पंचायत में लाखों रुपए की धांधली हुई है और मांगी गई कार्यों की सही से जानकारी नहीं दे रहे हैं, जिससे ये साफ होता है कि पंचायत में बड़ी धांधली हुई है। उन्होंने कहा कि नम्होल पंचायत सचिव किसी राजनीतिक दबाव में आकर कार्य कर रहा है और तभी कार्यों का सही से जानकारी नहीं दे पा रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन व सरकार से मांग की है कि पंचायत के कार्यों की निष्पक्ष जांच करवाई जाए। पूरा ब्रिज मेंबर ग्राम पंचायत नम्होल, मैंने अपने पंचायत को आरटीआई लगाई थी कि मुझे 15-20 का हिसाब किताब दिया जाए, उसमें 14 कॉलम बने थे, लेकिन इन्होंने मुझे एक ही कॉलम की कागज परचेज किए पंचायत सचिव ने, जो बीपीएल फैमिली थी, तो जो हमारे 13 कॉलम बचे हुए हैं उनका मुझे कोई इन्होंने लिखा जोखा नहीं दिया। अब इन्होंने कहा, एक सादा लेटर निकाला कि आप हमारे को अलग अलग वार्ड की वो दो सूचना, तो उसके आधार पर हम आपको देंगे जानकारी। तो अब मैंने अलग अलग वार्ड की वो लगा करके आरटीआई लगा करके इनसे डिमांड की हुई है कि मुझे सारा रिकॉर्ड को मुहैया करवाया जाए, और इससे ये ज्ञात होता है कि हमारी पंचायत में लाखों रुपए का घपला है, और ये जो 13 कॉलम बचते हैं इनका मुझे कोई हिसाब किताब नहीं दे रहा है। अभी जो मैंने लगाई हुई है 5-7 वार्डों की, तो अभी भी वो मुझे कोई जवाब नहीं मिला। और एक पंचायत सचिव जो है तो एक सिंपल कागज के ऊपर मेरे से सेव करवा रहे कागज, जो कि बाई पोस्ट आने थे आरटीआई के,